नमस्ते दर्शकों, मैं उदय जट रहा हूँ और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आइए जुड़ते हैं आज के कुछ ताजा व महत्वपूर्ण खबरों के साथ। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोंकरेट सांगमा और कार्बी आंग्लोंग स्वायत्त परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य तुलीराम रोंगहांग के साथ बुधवार को शिलोंग में कार्बी हेमतुन गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया और 100 बिस्तरों वाले छात्र छात्रावास यानी स्टूडेंट हॉस्टल सह वाणिज्यिक भवन की आधारशिला भी रखी। 21.50 करोड़ रुपये की लागत से कार्बी हेमतुन का निर्माण सफल हुआ। इससे असम और मेघालय के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। आज हमारे इतिहास के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन है, शर्मा ने कहा कि उन्होंने कार्बी हेमतुन की स्थापना के लिए कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद का आभार व्यक्त किया जो शिलोंग आने वाले कार्बी आंगलोंग के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित रहने के लिए सांगमा को भी धन्यवाद दिया और दोनों राज्यों के बीच सहयोगात्मक भावना को रेखांकित किया। सांगमा ने कार्बी आंगलोंग के लोगों को बधाई देते हुए कार्बी हेमतुन गेस्ट हाउस के उद्घाटन और छात्रावास पर काम शुरू होने की सराहना की। उन्होंने मेघालय और असम के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने में इस आयोजन के महत्व पर जोर दिया। सांगमा ने उत्तर पूर्व में जनजातियों और समुदायों की समृद्धता विविधता पर प्रकाश डाला और आशा व्यक्त की कि विभिन्न समूहों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने क्षेत्र और सांस्कृतिक और परंपराओं की समानता को संजोते हुए अद्वितीय विविधता और जश्न मनाने के महत्व को रेखांकित किया। पूरे असम में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए शर्मा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, असम राज्य में समाज के सभी विभिन्न वर्गों और सभी विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को उस तरह का समर्थन और ध्यान मिल रहा है जिसके वे हकदार है। उन्होंने सराहना की कि यह आयोजन समावेश विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनएन वार्ता ब्यूरो नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए खबरों के साथ, देखते रहिए एनएन वार्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हमारे YouTube और Facebook पेज पर सब्सक्राइब व फॉलो करना बिल्कुल ना भूले और अपनी राय जरूर दें।